बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद जय भारत। आज है रविवार का दिन और शाम के बज गए हैं 7। और हर रविवार शाम 7 बजे हम आते हैं आपके पसंदीदा शो के साथ, जिसका नाम है बात पते की। बात पते की लाख टके की बात पते की। तो किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से हम कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आप हमें बताते हो कि आप आज इसकी बात करो, इस चीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी लेनी है, इसके बारे में हमें और ज्यादा जानना है। तो उसी तरह किसान भाइयों ने पिछले 2-3 बार से हमें सीक्वेंस से टॉपिक्स दे रहे हैं। वो जो हमारा पहला टॉपिक था वो ये था कि मिट्टी की जांच कैसे हो, क्यों जरूरी है, कैसे उनको करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब खेत की तैयारी का टाइम आया तो उन्होंने पूछा कि खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पिछले हफ्ते का हमारा टॉपिक था वो ये था। अब इस हफ्ते जो जानकारी आप लोगों ने हमसे जाननी चाहिए है वो ये है कि खेत की मिट्टी की जांच भी हो गई, खेत की तैयारी भी हो गई। अब जो बीज है, एक तो बीज चयन करते समय किन बातों की सावधानियां देनी चाहिए, कैसा बीज चयन करना चाहिए, और दूसरा फिर बीजोपचार कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए कृषि एक्सपर्ट्स के पैनल से हमारे साथ हैं अनुराग जी, आशीष जी, मनिंदर जी और रोहन जी, और ये सब आपको बताएंगे बीजोपचार के बारे में, बीज के चयन के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर लाइक कर लीजिए, और दूसरा जो ये बेल आइकन दिख रहा है ऊपर, इसको जरूर क्लिक कर लीजिए, तो आपका नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन हो जाएगा। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे कृषि नेटवर्क की तरफ से, अधिक जानकारी वाला कोई वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको दिखेगा, तो ये चीज करना मत भूलिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। रोहन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले तो क्या होता है ये बीजोपचार का मतलब क्या है? बीजोपचार इसी शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। जो बीज होता है उसको उपचार किया जाता है। बीज उपचार एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों को बीमारी और कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन, जैविक रसायन या भौतिक जो रहते हैं, ताप जैसे प्रकाश, उसी से उपचारित किया जाता है, या जो जैविक खाद रहते हैं उससे भी उपचारित किया जाता है। इसका जो ये बीज उपचार क्यों जरूरी है, तो इस जो बीज उपचार है, बीज स्वस्थ होगा तो अपना जो क्रॉप होगा वो अच्छा रहेगा। ये जो बीज उपचार है ये कृषि का पहला कदम है, जिसमें क्या होगा कि बीज के ऊपर पूरा जो उत्पादन है अपने कृषि का वो अवलंबन रहता है, जिसमें बीज में रहते हैं रोग, या जमीन में जो रोग रहते हैं वो उससे बीजों को बचाने के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए ये बीजोपचार किया जाता है, जिससे कि जो जमीन में मिट्टी में जो कीट या फंगस रहते हैं इससे जो क्रॉप है उसको कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, इस वजह से ये पहला कदम माना जाता है। इसमें जो रासायनिक दवाइयां रहती है, कीटनाशक रहते हैं, उसकी इस पे ऊपर कोटिंग किया जाता है। अब आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कब से चलन में, कब से आया भारत में, मतलब ये पहले से होता रहता था? जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मेरे लिए एक बहुत ही नया टर्म हो जाता है कि बीजों का भी उपचार होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीछे घर के पीछे लॉन वॉन होते हैं, वहां कुछ साग सब्जी उगा लेते हैं और ये कर लेते हैं, जो गुड़गांव जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं खेती बाड़ी से, जिनका ज्यादा वास्ता नहीं है, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनके लिए बीजोपचार एक नई चीज है, पर किसानों के लिए कब से ये जानते हैं, कब से भारत में चलन में आए? नमस्कार अनुपम जी, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और कृषि नेटवर्क के माध्यम से बहुत ही अहम टॉपिक आपने आज जो मुद्दा उठाया है बहुत ही अहम है ये। और बीज उपचार, आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, हम अपने खेतों में जब बारिश होती थी तो आप देखते होंगे केंचुए जो है, केंचुओं की भरमार होती थी खेतों में, केंचुए इतने ज्यादा हो जाते थे कि आपको पैर, एक पैर रखिए तो पैर के नीचे कम से कम 50 केंचुए आ जाते थे। आज ये स्थिति आ गई है कि बारिश होने पर हमारे खेत में केंचुए नहीं दिखते। उसका सबसे जो विशेष कारण है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का बहुतायत में प्रयोग, उस प्रयोग से हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी ताकत है,
उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पूरे खत्म हो गए। तो उस दिशा में क्या हुआ, जब मिट्टी में हमारे न्यूट्रिएंट ही नहीं है, हमारे भोजन में कोई स्वाद नहीं है, हम उसको खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह से जब हमारी मिट्टी में कोई ताकत नहीं है, मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से हमारी मिट्टी कमजोर हो गई, हमारा बीज कैसे उसमें जर्मिनेट करेगा, कैसे उसमें अच्छा होगा। तो उसके अल्टरनेट व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने बीज उपचार को एक बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम छेड़ी कि हम भूमि का शोधन और बीज का शोधन एक आंदोलन के रूप में उसको सरकार ने प्रयोग करना शुरू किया और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। तो इस तरह से किसानों को सरकार ने प्रोत्साहित किया कि आप बीज शोधन करें। और आपको बता दें, ट्राइकोडर्मा कैप्टन थीरम जो प्राइवेट कंपनियां ब्लॉक में ट्राइकोडर्मा किसानों को 5 साल तक एक पैकेट गेहूं लेने पे, 1 हेक्टेयर का बीज लेने पे एक पैकेट फ्री दिया जाने लगा, क्योंकि उनको जो है इसको बढ़ावा देने के लिए या इसको भी उपचार करें। और वहाँ एक टेक्निकल असिस्टेंट बैठाया गया, ये बीज आप ले जा रहे हैं, ये पैकेट ट्राइकोडर्मा का है, इसको वहाँ बता के तब वहाँ से भेजते। तो सर अगर इस तरह की बात है तो हमारे अंदर अगर कोई रोग है तो हमको उसको कुछ ना कुछ हमको उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए बीज उपचार का इंट्रोडक्शन किया गया हमारे कृषि में। और बीज उपचार जैसे कि रोहन जी ने बताया कि तमाम रोग होते हैं, जैसे बीज जनित रोग है, बीज जनित रोग ऐसा है कि अगर उसका प्रिकॉशन ही ट्रीटमेंट, अगर हमने बीज शोधन कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसका दूसरा ऑप्शन होता है उस प्लांट को, उस पौधे को हमको उखाड़ के उस खेत से बाहर फेंकना होगा, अदरवाइज वो पूरे फील्ड में फैल जाता है, सीड बाउंड डिजीज। दूसरा है सॉयल बाउंड डिजीज, जो कि मिट्टी में पहले से ही होती है। अगर हम सॉयल या मिट्टी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम उस रोग को जो मिट्टी में पहले से है उसको हम खत्म कर रहे हैं, ये उसका प्रमुख कारण है। और किसान भाइयों से ये कृषि नेटवर्क के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बीज शोधन और भूमि शोधन जरूर करें, 70-80% रोगों से छुटकारा आप पा सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप चाहें तो आपके पास 4 बीघे खेत है, 1 बीघे में आप बीज शोधन करें और भूमि शोधन करें, उसमें आप गेहूं लगाएं, बाकी 3 में आप अपने मन से लगाइए, 1 बीघे में आप कृषि नेटवर्क के माध्यम से जो सलाह दी जा रही है उसके तरह खेती करिए। आप रिजल्ट अपने आप मुझे बताइएगा, कि हम आपको कॉन्फ्रेंस में लेके मीटिंग करके रिजल्ट अपने आप खुद बताइएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको, 12-15% आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी। जी आशीष जी, ये बगैर बड़े वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया गया है। जी आशीष जी, अब बीजोपचार के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब मैं ये सबसे पहले तो किसान बीज खरीदने जाएगा, तो बीज खरीदते वक्त उन्हें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीज खरीदते वक्त हमें उसी बातों का ध्यान रखना है, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज लेने, मैगी लेने जाते हैं, आजकल मैगी बहुत प्रचलन चल रहा है, 2 मिनट में बनती है, सबसे पहले क्या देते हैं, रेट कितना है उसका, एक्सपायरी डेट क्या है, लॉट नंबर इसमें है कि नहीं, उसका जो सीड कंपनी का लोगो होता है, लोगो वही लोगो है कि कोई फर्जी लोगो बना चिपका रखा है, या उसमें जो है बार कोड है उसमें है कि नहीं है। तो बीज लेने से, जब भी किसान भाई बीज ले जाए, लूज पैकेट का बीज कतई ना ले, बीज का जो पैकेट ले उसमें जो लॉट नंबर हो, सीरियल नंबर हो, उसमें उसका टैग हो, और खरीदते समय विशेष ध्यान रखें। और उसमें सबसे बड़ी चीज है बीज प्रतिशत, बीज का जमाव का जमीनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज उसमें मेंशन होता है, 90%, 80%, 92%, इस तरह से मेंशन होता है। ये लेने के बाद, पैकेट लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद उस दुकान से रसीद जरूर बनवाएं आप, चाहे आप वो 50 रुपए का बीज लें और चाहे आप 5,000 रुपए का बीज लें, रसीद जरूर बनवाएं, ये एक सावधानी है। दूसरा है बीज का चयन जब करते हैं तो आप बीज का चयन एक, जैसे बोलते हैं जब खेती हम करते हैं तो बीज हमारी एक मदर होता है, मतलब अगर हमारा पहला पिलर ही अगर गड़बड़ है तो हमारा घर मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हमारा बीज ही गड़बड़ हो गया तो फसल में हम कुछ भी डाल दें, कुछ भी कर दें, हमारी फसल अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप अपना लोकल बीज यूज कर रहे हैं, लोकल बीज का मतलब ये होता है जैसे पिछले साल आपने जो गेहूं बोया है, आपने काट के जो रख दिया 1 क्विंटल, हम पिछले साल 2 बीघे में इसको लगाएंगे, अगर आप उस बीज को लगाते हैं तो उसका आप घर पे ही शोधन करें। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं, तो मार्केट में 99% जो बीज के पैकेट आ रहे हैं वो इसमें लिखा रहता है
पहले से ही शोधित, बीज शोधित उसमें लिखा रहता है और सीड ट्रीटमेंट एजेंट का नाम भी लिखा रहता है किससे शोधित, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बीज में मिक्सिंग ना हो, अगर आपको कहीं डाउट हो बीज में कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, इनर्ट मैटर जिसको बोलते हैं, वह मैटर जो होते हैं उसमें तमाम और भी तरह के बीज होते हैं, जैसे आपने गेहूं लिया तो उसमें जौ के बीज कुछ मिल जाएंगे आपको, या गेहूं का जैसे आपने पीडब्ल्यू वैरायटी लिया उसमें कुछ और, आपको देख के समझ में आ जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें, बीज बड़े दाने हों, चमकदार हों, वो आप हाथ में लेंगे आपको खुश समझ में आ जाएगा कि हमारा बीज अच्छा है या खराब। तो ये सब चीजों को विशेष ध्यान रखें। पैकेट में लूज पैकेट को बीज को कतई ना चयन करें आप, फुल पैकेट का ही लें। अगर लूज पैकेट भी अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई को 1 किलो या 2 किलो बीज कभी चाहिए होता है, लूज पैकेट भी ले रहे हैं तो पैकेट आप अपने सामने खुलवा के लें और बीज को अपने हाथों में लेके देखें, इसमें मिक्सिंग नहीं है, इनर्ट मैटर नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, बीज हमारा शुष्क तो नहीं है, बीज स्वस्थ है, चमकदार है, इस तरह से आप बीज का चयन कर सकते हैं। जी आशीष जी, अब जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें हाइब्रिड बोना चाहिए या देसी बीज लेना चाहिए, तो इस बारे में क्या बोलोगे आप? जी अनुपम जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हमारे यहाँ जो कृषि है वो कई चीजों में विभाजित है, जैसे हमारे यहाँ क्या आते हैं, लघु कृषक, सीमांत कृषक, दीर्घ कृषक, इस तरह से कृषि विभाग किसानों को बांट रखा है, 1 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर। जो हमारे छोटे किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, पिछले साल जो फसल लगाते हैं उसको वो जितनी उनको बीज की आवश्यकता होती है अगले साल में, वो उसको जो है संभाल के रख देते हैं कि हमको अगले साल हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बीज खरीद सकें, उसको हम लगाते हैं तो वो उसको लगा सकते हैं। अगर कोई बड़ा किसान है जैसे कॉमर्शियल खेती कर रहा है, बेचने के हिसाब से कर रहा है, तो वो किसान भाई हाइब्रिड सीड का चयन करें। हाइब्रिड सीड क्या होता है, बहुत किसान भाई होते हैं, हाइब्रिड सीड की पैदावार बड़ी अच्छी होती है, सिर्फ पैदावार ही नहीं होती, हाइब्रिड का मतलब होता है दो बीजों के बीज में एक तीसरा बीज का उत्पादन। कैसे, एक बीज है इसकी जो पैदावार बहुत ज्यादा है और दूसरा बीज ऐसा है जिसकी पैदावार कम है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस है, जो कि रोगों को सहने की क्षमता रखता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों वैरायटी का क्रॉस कराए, तीसरी ए बी का क्रॉस कराए, तीसरी वैरायटी हमारे पास आई, उस वैरायटी में जो आएगी वो की पैदावार भी अच्छी होगी और डिजीज से लड़ने की क्षमता भी उसकी अच्छी होगी, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या, पैदावार आपको अच्छा मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी होगी। अगर किसान भाई फाइनेंशियली अगर आपकी हिम्मत होती है लेने की, तो आप हाइब्रिड बीज का चयन करें, और लोकल अगर आप चयन कर रहे हैं तो लोकल में आप बीज शोधन करके जरूर लगाएं ये। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँ किसान भाई, कुछ किसान भाई हमारे यहाँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में किसान भाई, एक इलाहाबाद जिला है उसमें एक गांव है शिवगढ़, चौराव ब्लॉक है शिवगढ़, जो कि जिसका बैगन की खेती के लिए बहुत फेमस है, आप गूगल में देखिएगा, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बाहर विदेशों में जाता है। उन किसान भाई के यहाँ हमारे यहाँ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आए थे, तो उन्होंने जो है 10 बीघे बैगन लगा रखा था और एक आधे बीघे बैगन अलग से लगा रखा था। उसमें बैगन और काउपी उसको बोलते हैं बोड़ा, ऐसी दो फसल है जिसमें हर तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड पड़ता है। हर तीसरे दिन जो बैगन हम मार्केट में लेते हैं चमकता रहता है, आप देखिए उसको लगता जैसे लगा कि सर्प से धुला गया हो, वो सारी चीजें सिर्फ दवा का असर। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उनसे पूछा, आपने 10 बीघे ये लगा रखा है, 1 बीघे अलग क्यों रखा रखा है, उसमें सिर्फ गोबर की खाद पड़ी हुई थी। किसान का जवाब था, साहब एका अपनो खाए दे लगाए है, एका लगाए है बेचे बे। ये एक किसान है, वो किसान हाई स्कूल पढ़ा, किसान का ये जवाब था, इसमें मैं कोई दवा नहीं डालता हूँ, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई फंगीसाइड, कोई भी दवा नहीं डालता हूँ, सिर्फ गोबर की खाद डालता हूँ, क्योंकि मैं इसको खाता हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, और जो मैंने 8 बीघे लगाया है इसको मैं ट्रक में 10 टायरा ट्रक में भर के बेचता हूँ, बाहर बेचता हूँ। हाँ, ये तो मैंने काफी लोगों का देखा है कि वो अपने खाने के लिए अलग सब्जियों का सब्जी अलग उगाते हैं। तो हाइब्रिड सीड है, तो अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं, पैसे के लिए अगर खेते हैं, आप इकोनॉमी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, तो हाइब्रिड सीड का प्रयोग करें। हाइब्रिड सीड प्रयोग करना कोई गलत बात नहीं है, और लेकिन गोबर की खाद का जरूर प्रयोग करें। जी आशीष जी, अब अनुराग जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो किसान भाई है, अगर उन्हें बीज का उपचार खुद से करना हो तो कैसे करेंगे?
जी अनुपम जी, बीज का उपचार दो विधि, जैसा कि एक तो सूखा बीज उपचार होता है और एक भीगे बीज का उपचार होता है, तो दो तरह से बीज के उपचार होते हैं। तो सूखे बीज का उपचार सबसे पहले किसानों को एक बीज बीज को एक बर्तन में लेना चाहिए और उसमें रासायनिक या जैविक दवा को, जैसे कि 2 ग्राम दवा को 1 kg बीज में मिला करके और उसके बाद बर्तन को ढक्कन से बंद करके और अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी बीज है वो अच्छी तरीके से उसमें दवा लग जाती है, ठीक है, और वो उपचारित हो जाता है। और दूसरा तरीका है भीगे बीज का उपचार। तो भीगे बीज का उपचार करना चाहिए, जैसे कि पॉलिथीन की चादर या पक्की फर्श पर बीज को फैला देना चाहिए और उसके बाद हल्का पानी का छिड़काव करना चाहिए और पानी के छिड़काव करने के बाद जैविक या रासायनिक दवा को मिला करके और उसको हल्के मीन्स हाथ में दस्ताना लगा करके और उसको मीन्स हवा में सुखाना चाहिए मीन्स थोड़े समय के लिए और तब उसको बीज को खेत में लगाना चाहिए या नर्सरी लगाना। जी अनुराग जी, तो ये तरीके हैं दो अलग अलग बीज उपचार करने के कि बीज डिफरेंट थे, मतलब सूखा बीज अलग होता है, गीला बीज अलग होता है, या ये दो तरीके हैं कि सूखा सूखा तरीका अलग और गीला तरीका अलग है? नहीं, दोनों तरीका एक ही है। जैसे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो पानी में दबा को मिला करके बीज को उपचारित करते हैं और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो सूखे बीज को ही उपचारित करते हैं। तो दोनों तरीका मतलब अलग अलग है, ठीक है, दोनों में एक ही तरह का केमिकल का उपयोग होता है और दोनों तरीका बेहतर है, इसमें से जो किसानों को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जी अनुराग जी, तो आशीष जी, जो बीज उपचारित होता है और उपचारित होने के बाद फिर बुआई होती होगी, तो कितना समय अंतराल होना चाहिए दोनों चीजों में? जिनपुम जी, बीज उपचारित जैसे जो हमको मान लीजिए अगर शाम को बुआई करनी है, शाम को हमारे बीज को, तो हम सुबह 11-12 बजे तक बीज का उपचार, जैसे कि अनुराग जी ने बताया, बीज उपचार के लिए आप मान लीजिए बीज आपने लिया, 10 किलो बीज लिया आपने, अगर घड़ा आपके पास है, पानी वाला घड़ा जो होता है बड़ा, उसमें बीज डाल दें और ट्राइकोडर्मा डाल दें या नीम ऑयल डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें, गुड़ का प्रयोग जरूर करें। गुड़ में एक एडहेसिव क्वालिटी होती है, इसको बोलते हैं चिपकता है गुड़। तो गुड़, दवा और सीड तीनों क्या करते हैं, दवा गुड़ का काम ही होता है, दवा को सीड में चिपकाता है, जिससे क्या होता है सीड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, उनके जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको जीवित करने के लिए वो बहुत ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसको करने के बाद उस बीज को हम किसी छांव में पेड़ के नीचे, धूप में कतई नहीं सुखाना है उसको, हमको किसी छांव में या घर के अंदर पेड़ के नीचे जूट का, अगर कोई जूट का या कॉटन बोरी हो या चादर हो या बैग हो, उस पर फैला दें और 4 से 5 घंटे बाद, अगर मान लीजिए आपने 11-12 बजे आपने बीज खोदन करके छाया में फैला दिया, तो आप 4 बजे या 5 बजे, 4 से 5 घंटे बाद उस बीज को आप अपने तैयार खेत में बोने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी आप सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। जी आशीष जी, अब अनुराग जी आप मुझे तरीके बताओ कि किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए, मतलब जैविक तरीका क्या है और रासायनिक तरीका क्या है? जी अनुपम जी, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आपने पूछा है सर, इसमें एक 3 वर्ड होते हैं, FIR। हमारे किसान भाई परेशान न होंगे कि FIR हम करवा रहे हैं, FIR। जो पहला शोधन होता है, F means फंजीसाइड फफूंद नाशक, दूसरा होता है I means इंसेक्टिसाइड, कोई भी जो इंसेक्टिसाइड होती है जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए करती है, दूसरा शोधन उससे करते हैं। तीसरा होता है हमारा R, FIR। R में आपका है कोई भी राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर हो, आर का मतलब राइजोबियम कल्चर या कोई भी जैविक कल्चर हो, राइजोबियम है, एजोस्पोरिन है, उससे आप करते हैं। ये हमारा सीक्वेंस होता है बीज शोधन करने का। अगर आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ नीम ऑयल है, सिर्फ ट्राइकोडर्मा है, तो उससे भी करके आप शोधित करके लगा सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आप बीज लगाना है, मान लीजिए आपको बीज आज आप ले आए, बीज आपको कल लगाना है, तो अगर आपके पास कोई दवा नहीं है, सपोज आपको इमरजेंसी है, आपके पास ट्रैक्टर आ गया, खेत की तैयारी हो गई, शाम को बोना, आपके पास दवा नहीं मिल पाई, उस स्थिति में किसान भाई क्या कर रहे हैं, अपने बीज को पैकेट खोल के, एक चद्दर फैला के कॉटन की,
जहां पे तेज रोशनी धूप की आ रही है वहां 2 घंटे के लिए बीज को फैला देंगे। इसको बोलते हैं सूर्य की सूर्य शोधन, बीज का सूर्य शोधन। तेज प्रकाश जहाँ आती है वहां फैला दें। तेज प्रकाश में अगर कोई फफूंदी उसमें लगी है बीज में, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, इनिशियल अगर कोई इन्फेक्शन है, प्राथमिक इन्फेक्शन है, तो वो सूर्य के प्रकाश से उसको वो खत्म कर सकता है और इस तरह से आप बीज को शोधित करके लगा सकते हैं। जी आशीष जी, अब अनुराग जी आप बताइए क्या जैविक तरीका और क्या रासायनिक तरीका है, थोड़ा डिटेल में। जी अनुपम जी, बीज उपचार 2 तरीके से होते हैं, एक तो जैविक और एक रासायनिक। जैविक और रासायनिक दोनों तरीका ठीक है, लेकिन किसानों को जैविक तरीके से बीज उपचारित करना चाहिए। और जैविक तरीके में देखा जाए तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और रासायनिक में अगर देखा जाए तो कार्बेडाजेम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फसलों में कीट का प्रकोप हो जाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी बीज उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फसलों में कीट का प्रकोप हो जाता है, तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि बीज को उपचारित करना चाहिए। और बीज को उपचारित करने के लिए जैसे कुछ रसायन है, जैसे मैं बताऊँ, क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, या थायोमेक्सोम 30% FS को 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पौधे में कीट का प्रकोप कम होता है, जैसे सफेद मक्खी या फिर देखा जाए तो इल्ली की समस्या, ठीक है, तो इन सब कीट का प्रकोप कम रहता है और किसान के जो भी है फसल वो उनका मीन्स कीटों से नियंत्रण होता है। जी अनुराग जी, अब मनिंदर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। काफी बात कर ली हमने बीज उपचार कैसे करते हैं, कितना समय अंतराल लेना चाहिए, पर आप ये बताइए किसान भाइयों की कि क्यों उन्हें करना चाहिए, क्या लाभ क्या है उनके लिए इस चीज को करने के। जी अनुपम जी, जैसे सभी ने चर्चा बहुत अच्छे से की, डिटेल में की, इसके जैसे अभी आशीष जी ने बताया, अगर हम बीज उपचार करते हैं तो 70-80% जो बीमारियां हैं जो आने वाली बाद में फसल में आती हैं, तो अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो उनसे पहले ही निजात पा सकते हैं। एक तरह से प्रिवेंटिव मेथड है जो हम करके बीमारियों से, जैसे जो मुख्य रूप से जो मिट्टी से जनित या बीज से जनित जो भी बीमारियां हैं उससे यह बीज उपचार करने से काफी निजात मिलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें बीज के अंकुरण की, तो वो बीज का अंकुरण भी एक समान होता है या उसमें काफी अच्छे से जमीन में बीज का अंकुरण होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो शुरुआती स्टेज है फसल की, तो वो भी एक साथ सभी जो बीज है उनका अंकुरण या एक समान सबकी वृद्धि होती है, तो यह भी एक मुख्य फायदा है जिससे उगाव में आगे पीछे या टाइम ड्यूरेशन का फर्क नहीं रहता। और जो बीज उपचार किया हुआ जो बीज है या फसल है, तो उसमें हम दूसरे फसल से 1 या 2 दिन पहले जो बीज का अंकुरण है वो हो जाता है। और जो दलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं, तो उसमें नोड्यूलेशन जो होता है तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। और इसके बाद अगर परिस्थितियां प्रतिकूल या नहीं भी हो, या कम नमी या ज्यादा नमी हो, तब भी यह एक समान सारी फसल अच्छे से स्टैंड हो जाती है या एक समान सारी फसल रहती है। तो ये मेन जो फायदे हैं बीज अंकुरण मीन्स जो बीज उपचार के हैं, तो वो ये हैं। तो सभी किसानों से निवेदन है बीज उपचार जरूर करें ताकि आने वाली जो आपसे बीमारियां हैं उनसे आप पहले ही तैयारी कर सकें बीज उपचार कर। जी मनिंदर जी, तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं आज हमारे कृषि एक्सपर्ट्स ने बीज उपचार के बारे में, बीज का सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, कैसे आप बीज स्वस्थ बीज चुने, फिर उसका उपचार कैसे करें, कितने अंतराल के बाद उसे बोएं ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी हो। तो इन सब बातों से बहुत ही बारीकी में हमने चर्चा करी। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ एक बार फिर से कि आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा के अपने नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए वीडियो डालें सबसे पहले वो आपको दिखाई दे। तो किसान भाइयों, अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जो आप हमें इस वीडियो में या तो कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे या हमारे ऐप पे जैसे आप जुड़े हुए हैं उसमें आप हमें बताएंगे कि हमें नेक्स्ट जो अगला हफ्ता है
उसमें हमें कौन सा टॉपिक लेके आना चाहिए चर्चा के लिए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट अगले हफ्ते, धन्यवाद। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि रवि की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं और किन किन प्रकार की होती हैं जो इस सीजन में किसान उगाएगा। रवि फसल में कठिया गेहूं, देसी चना, मसूर, अलसी और सरसों की बुवाई में बहुत कम पानी लगता है। रबी फसलों में बोई जाने वाली अनाज दलहन तिलहन यदि देशी प्रजाति की हो तो सूखा सहन करने की क्षमता इनमें खरीफ फसलों के मुकाबले बहुत ज्यादा रहती है। बात पते की, लाख टके की, बात पते की।